सबास बेस्ट क्लासेस में मैं सबा आज आपको बहुत ही क्रिस्पी शक्करबारे बनाना सिखाऊंगी। तो शक्करबारे बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, यानी 100 ग्राम मैदा लिया है मैंने, और 50 ग्राम शक्कर यानी पौन कप शक्कर ली है मैंने, और कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टीस्पून, घी लिया है 2 टीस्पून, और नमक हम लेंगे 1/2 टीस्पून। देखिए मैंने यहाँ तेल 3 टीस्पून लिया है, और इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अब आटा गूंद लेंगे हम। आटा गूंदने के लिए मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। मैदे के बाद मैं इसमें तेल डालूंगी, और तेल डालने के बाद हम इसमें घी ऐड कर देंगे। और देखिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया, नमक भी डाल दीजिए। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी छिड़क कर हम आटा गूंद लेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा पानी छिड़कते हुए आटा गूंद लीजिए। देखिए इस तरह से सख्त आटा गूंद लीजिए, और इसका एक पेड़ा बनाइए। और पेड़ा बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। आप इसकी थोड़ी सी मोटी रोटी बेलिए। देखिए मैंने रोटी बेल ली है, और इसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। हम थोड़ी सी मोटी रोटी बेलेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसके पीसेस कट कर लिए हैं। आप किसी भी किस्म के इसके पीसेस कट कर सकती हैं, अपने मनचाहा शेप इसे दे सकती हैं। आप इन्हें बनाकर डब्बे में भरकर 1 महीना रख सकती हैं। आप इफ्तार के लिए इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं, मीडियम आंच पर आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। देखिए कितने क्रिस्पी हो रहे हैं ये। हमने इसे मीडियम आंच पर तल लिया है। अब हम शक्कर पीसेंगे। शक्कर और इलायची को एक साथ पीस लीजिए, और गरम गरम शक्करबारों पर ये पिसी हुई शक्कर डाल दीजिए, और इसे थोड़ा सा टॉस कर लीजिए। ये शक्कर इस शक्करबारों पर चिपक जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस करना है, तो इस पर बादाम मिक्स पाउडर मिलता है, वो डाल दीजिए, और इसे भी टॉस कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आप इसे किसी जार में रख दीजिए। देखिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो, तो इसे आप लाइक करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। हमारे वीडियोस शेयर करिए। अगर बेहतरीन रमज़ान रेसिपीज़ और रोज़मर्रा के पकवान और दावती पकवान सीखना हो, तो सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।